चाय जो मेरी बन चुकी है गाइस, तो मैं जस्ट पीने जा रही हूँ। अभी बज रहे 10:45। मैं काफ़ी देर से उठी, पर नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा था, तो जस्ट अभी कर रही हूँ। तो देखिएगा, मैं लाई थी बॉम्बे से खा रही, तो बस वही खा रही चाय और खा रही। कितने लोगों का है मेरी तरह ऐसे ही होता है कि ना नाश्ता करने का मन नहीं करता है मॉर्निंग में। ठीक है, तो है ना, कभी मतलब होता है क्रेविंग कुछ खाने का मॉर्निंग में, और कभी कभी तो कुछ खाने का दिल नहीं करता है, तो जस्ट कभी कभी मैं नाश्ता ही नहीं करती। तो ये जस्ट मेरी खारी है एंड ये मेरी चाय है। तो आइए आप लोग भी नाश्ता करिए, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये देखिए हमारी मशीन भर रही है हमारा पानी। तो कितने लोग ऐसे ही मशीन में पानी भर के कपड़े धोते हैं। गाइस कपड़े जो है वो धुल चुके थे, पर बताओ क्या बोलूँ, मैं इतने दिन से धूप थी और जैसे ही मैंने आज कपड़े धोए ना तो इतनी बारिश होने लगी। तो अभी जैसे रुकी है, तो मैंने कपड़े जो है वो अभी तक फैलाए नहीं है, और मैंने थोड़ा सा घर भी साफ किया है। ये देखो कैमरा बैक नहीं हो रहा है इसमें, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। खैर ये देखिए कपड़े अभी तक धुल के मशीन में ही पड़े हैं। तो जस्ट मैं अभी बारिश रुकी तो थोड़ा सा फैला देती हूँ, फिर घर की क्लीनिंग करना है। घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। आज मैंने घर झाड़ी थी ना, तो पूरा एकदम घर के ऊपर ये हो रहा है, घर एकदम गंदा गंदा सा हो रहा है। और मैंने बालों में बहुत सारा तेल लगा के रखी हूँ, तो मेरी भी बाल एकदम कैसी हो रहे हैं। हेयर फॉल बारिश में बहुत ज़्यादा होता है यार, तो किस किस को हो रहा है बताइएगा। ये देखिए घर में मैंने पूरा झाड़ा है, फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो ये पूरा ऐसा हो रहा है। बाहर का दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी जस्ट धूप रुकी है तो देख सकते हैं आप। और ये इतना बड़ा प्लास्टिक डाल रखा है यहाँ पर यार, बारिश की वजह से हर जगह के यही हाल होते हैं। तो बस थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये देखिए मेरे टेबल की हालत क्या हो रही है, जब यहाँ पे कंप्यूटर टेबल था तब अच्छा लगता था, अब तो मैंने इसको पूरा भंगार बना दिया है। तो आज ये भी क्लीन करेंगे, इतने दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, तो इसको मैं अभी क्लीन करती हूँ, इसमें से जितना जो भी सामान है सब हटाती हूँ। वर्क फ्रॉम होम था मेरा, तो यहाँ पर सिस्टम रखा रहता था तो ये साफ़ रहता था, पर अब जब से काम नहीं है तो बस मैं इसी में सामान भरते रहती हूँ। ये इतना अच्छा मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, अभी आप लोगों को क्लीन करके दिखाऊंगी। तो मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ, 4 बज रहा है, बहुत लेट हो गया आज काम को, तो हम लोग बस अभी खाना गर्म करते। खाना खाना अच्छा, किसके पास क्या क्या रखा रहता है, मेरे को खाना बनाने का नहीं था, मेरे पास रखा था तो मैं सोची वही खा लेती हूँ, तो गरम कर लेते हैं हम लोग। आज मैंने बाल बहुत टूट रहे थे, तो मैंने आज ना शैम्पू के साथ एक कंडीशनर यूज़ करी, वो बालों में ज़्यादा केमिकल लगाने अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं कुछ यूज़ नहीं करती। तो मैंने जो लॉरियल का है ड्रीम लेंथ वाला ना, वो वाला कंडीशनर मंगाई हूँ, क्योंकि उसी का शैम्पू मैं यूज़ करती हूँ। तो देखते हैं कैसा आता है रिजल्ट, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, धागा भी अच्छा होएगा मेरे बाल के आगे, तो मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा पतला है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरा बाल ऐसा उलझ जाता है और उसको सुलझाने के चक्कर में मेरा इतना बाल टूट जाता है। तो मैं गर्म कर रही हूँ खाना खाने के लिए, और मेरी घर में दिखाती हूँ बाद में कितना धोबी घाट बनाई मैंने, क्योंकि घर के अंदर ही कपड़ा डालती, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं, कभी भी हो जाती है, तो घर के अंदर ही फैला दी मैंने पूरा कपड़ा। अब बारिश 2 मिनट में, अभी धूप है 2 मिनट में फिर हो जाएगी, तो कौन उसको ये करेगा। जब तक हमारा चावल गर्म हो रहा है दिखाती हूँ तुम्हारे को, ये देखो कैसा कपड़ा मैंने टांग लिया पूरा इधर, ये हमारा धोबी घाट है, नीचे देखो पूरा पानी थोड़ा थोड़ा टपक रहा है, बाद में साफ कर दूंगी। छोटे छोटे घर के यही प्रॉब्लम रहते तो क्या करेंगे, अभी जो है जैसा है वैसा ही है। तो चलो मैं खाना निकालती हूँ, फिर खाने बैठूंगी तो बता। रात के 12 बज रहे, तो मैं अभी कलिंगर खा रही हूँ, सारा काम वाम करके। तो देखिए मेरा
बन गई थी। और ये देख रही हूँ मैं लाफ्टर चैलेंज, बस ऐसे ही थोड़ी सी कॉमेडी शो, थोड़ा सा दिल बहल जाता है तो बस अभी वही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आज अल्लाह हाफिज़। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।